हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि उनको सही तरीके से गाइड करके मैं सारी चीज़ें क्लियरली सिखा पाऊँ। चलिए फिर आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो डियर्स, साड़ी को ड्रेप करने से पहले ये तीन चीज़ें आप अपनी ध्यान में रखिए। पहला कि आप अपनी साड़ी ड्रेप करने से पहले ही नीचे की तरफ अपनी फुटवियर पहन लीजिए, कि इससे आपको साड़ी की लेंथ कितनी रखनी है नीचे की तरफ वो आपको अंदाज़ा मिल जाता है। दूसरी बात कि जब पेटीकोट की डोरी आप बांधते हो तो इतनी भी टाइट मत बांधिए कि आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाए। आप पेटीकोट की डोरी इतनी ही रखिए कि उसमें आपकी फोर फिंगर्स आसानी से इन हो जाए, कि जब हम साड़ी को टक करते हैं, प्लेट्स बनाकर टक करते हैं, तो वैसे भी ये डोरी अपने आप ज़्यादा टाइट होती चली जाती है। इसके बाद तीसरी जो बात है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कि साड़ी में आप नीचे की तरफ साड़ी फॉल लगवा लीजिए। बिना फॉल वाली साड़ी क्या रहती है कि नीचे की साइड से इनकी कॉर्नर्स मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और प्लेट्स जो रहते हैं वो आपके ठीक से नहीं बन पाती। अब चलिए हम इनको ड्रेप करना शुरू करते हैं। तो साड़ी की जो फर्स्ट हम टक करते हैं वो अपनी राइट साइड के पे कॉर्नर की तरफ करते हैं। इस तरीके से ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैंने फैब्रिक को थोड़ी सी फोल्ड कर दी है जितनी मुझे अंदर की तरफ टक करनी थी। नीचे की तरफ हम अपनी लेंथ फ्लोर टचिंग बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आप अपनी फुटवेयर जो पहने हुए हो आप अपनी लेंथ उस हिसाब से रखिए, या फिर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको फ्लोर से 2 इंच ऊपर की तरफ साड़ी रखकर पहननी है। इससे क्या होगा कि आप चलने फिरने में काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे और फैब्रिक आपके स्टेप के नीचे नहीं आएगी और आप फंसकर कभी भी नहीं गिरोगे साड़ी में। यहाँ पे हम इनको एक राउंड टक करके छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी पल्लू की प्लेट्स को घुमाकर सामने की तरफ लेकर आएंगे। चलिए पल्लू को अरेंज करने का भी मैं आपको 3 तरीका बता देती हूँ। आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से अपने प्लेट्स को अरेंज कर लीजिए। तो पहला तरीका के लिए हम अपनी पल्लू को रफली ऐसे गैदर करेंगे और अपनी लेफ्ट हैंड पर इनको ऐसे फैलाकर रख देंगे। अब साड़ी की जो बॉर्डर आपकी फिंगर्स पे आ रही है, इस साइड से आपको फैब्रिक को प्लेट्स में अरेंज करना है। तो सबसे पहले वाली प्लेट को आप अपनी फैब्रिक के ऊपर अरेंज करोगे। यहाँ पे आप पल्लू की चौड़ाई को मेंटेन कर लीजिए और उसी हिसाब से नीचे वाली फैब्रिक को आप अरेंज करते हुए चलिए। देखिए अगर आपकी सिल्क की या फिर कॉटन की फैब्रिक है तो उस पर तो मैं बिल्कुल भी ये स्टेप करने आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी पहनते हो तो इसमें ये तरीका आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो देखिए हमने एक बार में ही ऐसे अपने पल्लू की प्लेट्स अरेंज कर ली। अब आप चाहो तो अपनी लेंथ जितना आपको रखनी है उस हिसाब से आप पल्लू को आगे की तरफ भी इनको प्लेट्स में कलेक्ट कर सकते हो और केवल अपने लेफ्ट साइड के शोल्डर पे रखकर आप शोल्डर पिन लगा सकते हो। अब अगर मैं आपके साथ दूसरी ट्रिक शेयर करूँ तो इसके लिए आप पल्लू को ऐसे सीधा पकड़िए और उसके बाद जो फैब्रिक आपके जो कॉर्नर आपके लेफ्ट हैंड पे है उसको आप ऐसे घुमाकर उल्टा लाकर अपनी बेली बटन के पास लेकर आइए। इस फैब्रिक के ऊपर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर से प्लेट की चौड़ाई मेंटेन करते हुए सारी फैब्रिक को आप अरेंज कर लोगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये सारे प्लेट्स मैं यहाँ पे अरेंज कर ले रही हूँ। अब हम यहाँ पे बनी हुई प्लेट्स को ऐसे सीधी करेंगे और देखिए कितनी आसानी से और कितने प्रॉपर तरीके से सारे प्लेट्स अरेंज हो गई हैं। चलिए अब मैं आपको थर्ड ट्रिक सिखाती हूँ। ये ट्रिक मेरी भी पर्सनल फेवरेट है और स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे ही प्लेट्स अरेंज करना सीखा था। इसमें आपको अपने दोनों हैंड्स इस्तेमाल करनी है। पहले वाली कॉर्नर को तो आप इस तरीके से टक कर दीजिए सामने की तरफ और दूसरी वाली कॉर्नर को अपने दोनों हैंड से पकड़ कर आप बारी बारी से एक एक साइड के हैंड से फैब्रिक को पकड़ते हुए आप इनको अरेंज करना शुरू कीजिए। मेक श्योर कि आपकी जो फर्स्ट वाली प्लेट है उसकी डायरेक्शन आपके लेफ्ट हैंड की साइड पे होनी चाहिए। अब ऐसे ही करते हुए आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके सारे प्लेट्स को आसानी से अरेंज कर सकते हो। इसमें आपकी टाइम भी कम लगेगी और सारे प्लेट्स प्रॉपरली सेट भी हो जाएंगी।
तो अगर आप सिल्क की पहन रहे हो साड़ी या फिर कॉटन की साड़ी पहन रहे हो तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइज, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी पहन रहे हो तो इसमें प्लेट्स को गैदर करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन यही अगर मैं आपको बताऊं कि सिल्क और कॉटन की फैब्रिक में थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होगी, तो इस मुश्किल को कम करने के लिए आप थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे फैब्रिक को आप गैदर करना स्टार्ट कीजिए और इनको बीच बीच में आप मरोड़ते हुए भी जाइए ताकि इनके क्रीजेस अपने जगह पे आसानी से बैठ जाएं। तो जब आप ऐसे प्लेट्स गैदर कर लेते हो तो आप देखिए आपको अपने प्लेट्स को आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब सिंपली हम अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे इनको उल्टा पल्लू रखते हुए ऐसे सेट करेंगे और लेंथ आप नीचे की तरफ अपने नीज तक रखें या फिर अपने नीज से आप नीचे की तरफ भी रख सकते हो। लॉन्ग पल्लू लेंथ इंस्टेंटली आपकी हाइट को लंबी दिखाने में हेल्प करती है। इसके बाद आप अपनी शोल्डर पिन को ठीक इस जगह पे प्लेस करके लगाइए और इनको सिक्योर कीजिए। इससे क्या होगा, अब अगर मान लीजिए आप झुकते भी हो तो आपकी पल्लू कभी भी सामने की तरफ नहीं आएगी। चलिए अब हम सामने की तरफ के प्लेट्स को एक बार फिर से सेट कर लेते हैं और अपने हाथों से खींच खींच कर इनके क्रीज को अच्छे से हम सेट कर देते हैं। इसके बाद अब बॉर्डर को हम ऊपर की साइड पे ऐसे प्लेस करते हुए पीछे की तरफ से घुमाकर अपने कमर के पास ले जाएंगे। आज मैं आपको कमर के पास फैब्रिक को सेट करने के तीन तरीके बताऊंगी और ये तीनों तरीके अलग अलग साइज़ के लोगों के लिए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप हेल्दी हो तो आप चाहो तो कमर के पास की फैब्रिक को फिट करने के लिए ये वाली तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा पिन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप इनको ऐसे टक कीजिए कमर के पास से। अगर मान लीजिए फैब्रिक ऐसे लूज़ भी होती है तो भी आपकी ये फिटिंग ठीक ऐसे ही बनी रहेगी। अब मान लीजिए अगर आप मीडियम साइज़ हो तो मीडियम साइज़ अगर आप हो तो इसके लिए आप फैब्रिक को कमर के पास ऐसे लाकर और इनको नीचे की साइड से आप ट्विस्ट करना शुरू कीजिए। ट्विस्ट करने के बाद आप फैब्रिक को ठीक अपनी बेली बटन के पास जाकर टक कीजिए और लीजिए आप इस तरीके से भी कमर के पास वाली फैब्रिक को टक कर सकते हो। तो तीसरा ये जो तरीका है, ये तरीका आप बिल्कुल भी जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी पे मत कीजिएगा क्योंकि इससे आपकी साड़ी ख़राब हो सकती है। ये तरीका आप इस्तेमाल कीजिए या तो कॉटन की साड़ी में या फिर सिल्क की साड़ी में। इसमें आप कमर के पास से फैब्रिक को टाइट करते हुए नीचे की तरफ से दो तीन प्लेट्स उठाइए एकदम छोटी छोटी और यहाँ पे आप सेफ्टी पिन लगा सकते हो। तो अगर एक और तरीके की बात करें तो इसमें आप ये कर सकते हो कि कमर के पास से फैब्रिक थोड़ी सी मेज़र करके आप इनको टक करके छोड़ दीजिए। तो देखिए इतनी फैब्रिक को मैं यहाँ पर टक करके छोड़ दूँगी। अब सामने के प्लेट्स मैं आपको सिखाती हूँ कैसे हम बनाते हैं। अगर आप राइट की तरफ बिना कोई फैब्रिक छोड़े इनको डायरेक्टली आप प्लेट्स में अरेंज करना शुरू कर देते हो तो इससे होगा ये कि आपकी राइट की जो फर्स्ट प्लेट है वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। सो डियर्स, आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आपको करना ये है कि अपने राइट साइड से आपको थोड़ी सी फैब्रिक को छोड़ देनी है। देखिए मैं इतनी लेंथ को यहाँ पर छोड़ रही हूँ और बस यहाँ से प्लेट आपको बनाना शुरू करना है। चलिए प्लेट बनाने के लिए भी मैं आपको एक बहुत ही इजी सा तरीका सिखाती हूँ। आप मेरे केवल राइट साइड की ये फिंगर्स देखिए, मैं थंब को अपनी फैब्रिक के पीछे इस तरीके से करूँगी और सामने की ये जो दो फिंगर्स हैं मैं इनको कैंची की तरह रख कर और फैब्रिक को सामने वाली फैब्रिक को मैं पकड़ूँगी। पीछे की तरफ रेस्ट जो दो उंगलियाँ हैं उससे मैं थंब को प्रेस करूँगी ताकि बीच वाली जो फैब्रिक है वो टाइटली होल्ड रहें और जब हम दूसरी प्लेट बनाएं तो उसमें पहली वाली प्लेट ना छूटे। तो बस आप बारी बारी से अपने फिंगर्स को ऐसे ही मूव करते हुए सारे फैब्रिक को आप अरेंज कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपकी प्लेट्स क्यों नहीं प्रॉपर सेट हो पाती हैं, क्योंकि या तो आप प्लेट्स छोटे बड़े अरेंज करते हो या फिर पीछे की तरफ जो प्लेट्स की फैब्रिक आ रही हैं आप उनको प्रॉपरली होल्ड नहीं करते, तो इसी के कारण प्लेट्स जो रहती हैं सामने से फूल जाती हैं या फिर इनके क्रीज अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाती। यहाँ पे अगर आप प्लेट्स ध्यान से देखोगे तो मेरी प्लेट्स ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी सीधी हैं,
तो इसकी सीक्रेट यही है कि आप प्रॉपर तरीके से पूरे प्लेट्स को होल्ड कीजिए। इसके बाद राइट के तरफ अगर आप याद करोगे तो हमने थोड़ी सी लेंथ छोड़ी थी, उस लेंथ को हम अपनी राइट के फर्स्ट प्लेट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बहुतों के साथ गलती ये होती है कि सामने के तरफ से प्लेट को पकड़ने के कारण आप पीछे वाले प्लेट की फैब्रिक छोड़ देते हो। तो देखिए, अगर पीछे वाली फैब्रिक को आप अच्छी तरीके से पकड़ लेते हो तो आपको प्लेट्स को बाद में झुककर सेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सारे प्लेट्स को अच्छी तरीके से होल्ड करने के बाद आप इनको थोड़ा सा जर्क दे दीजिए और इसके बाद ठीक अपनी बेली बटन के पास आप इनको टक कीजिए। अगर आप मान लीजिए अपने कमर को ज़्यादा एक्सपोज करना चाहते हो साड़ी में, तो आप प्लेट्स को अपनी नेवल से थोड़ी सी राइट की तरफ खिसकाते हुए इनको टक कीजिए। अब देखिए, कमर के पास वाली ये जो फैब्रिक है इनको हम प्लेट्स के नीचे से ले जाएंगे और राइट में ये जो फैब्रिक निकली हुई है यहाँ से हम इस फैब्रिक को बाहर की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक को खींचने का मतलब ये भी नहीं है कि आप इनको बिल्कुल ज़्यादा बिना कुछ देखे आप केवल खींच लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। खींचने का भी एक तरीका है, आप फैब्रिक को यहाँ पे लेकर आइए पहले और दूसरे हाथों से आप प्लेट्स को सेट करते हुए जाइए अपने कमर पे। ये ट्रिक अगर आप नहीं सीख पाते हो तो इसका रीज़न यही है कि आप यहाँ से आप ज़्यादा फैब्रिक खींच लेते हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको हल्के हल्के हाथों से खींचना है और दूसरे हाथ से अपने कमर के पास इनको सेट भी करते जाना है। अब यहाँ पे आप एक नॉट बना लीजिए, बिना नॉट बनाए अगर आप इसको टक करते हो तो फैब्रिक वापस से आपकी लूज़ पड़ जाएगी। तो अब केवल हम इनको नॉट बनाकर सिंपली टक कर देंगे। तो बची हुई जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारी राइट कमर के पास, यहाँ पे हम फैब्रिक को ठीक उसी जगह पे ही प्लेस करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फैब्रिक खींचने की, वरना आपकी राइट की जो फर्स्ट प्लेट है वो भी खींच जाएगी। अब हम अपने फैब्रिक को यहाँ पे सेट करेंगे, पल्लू को ठीक करेंगे और फिर देखिए हमारी फाइनल लुक। तो ये देखिए सामने के तरफ भी प्लेट्स कितने अच्छे से बैठी हुई हैं। तो देखिए कमर के पास की अगर हम बात करें तो कितनी प्रॉपर एंड परफेक्ट फिटिंग के साथ ये यहाँ पे सेट हैं। तो अगर आप ऐसे फर्स्ट टाइम साड़ी ड्रेप करोगे तो ट्रस्ट में कोई भी यकीन नहीं करने वाला कि आपने फर्स्ट टाइम साड़ी ड्रेप की है। चलिए, अगर इसी साड़ी को हम किसी दूसरे स्टाइल में ट्राई करना चाहें तो आप ये कर सकते हो कि शोल्डर से आप प्लेट्स निकाल कर और प्रॉपरली इनको सेट करके आप अपनी लेफ्ट साइड के कमर पर ऊपर की साइड से पिन लगाते हुए इनको सिक्योर कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपकी पिन विजिबल होने वाली है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट वाली स्टेप में ये पिन आसानी से हाइड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना ये है कि नीचे की तरफ जो आपकी पल्लू की लेंथ गई हुई है इसको आप अच्छे तरीके से अरेंज करते हुए आप अपनी लेफ्ट साइड की ही शोल्डर पर सीधा पल्लू रखते हुए इनको सिक्योर कीजिए। यहाँ पर अगर आप डिज़ाइनर ब्लाउज वेयर करते हो तो आप चाहो तो अपनी जो ड्रेपिंग है उसको यहीं पे आप कंप्लीट कर सकते हो एक वेस्ट बेल्ट लगाकर। और अगर आप मान लीजिए अपनी ब्लाउज हाइड करना चाहते हो तो केवल सामने की ये जो बॉर्डर है आप इसको घुमाकर पीछे की तरफ अपनी ब्लाउज की लेंथ के पास सिक्योर कीजिए। और इसके बाद ये रही हमारी फाइनल लुक। सो गाइज, आई होप कि आज की ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अब मैं आप सबसे साड़ी की नए लुक और डिज़ाइन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।